हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सिर्फ मैं पूछने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसे हो आप सब लोग। और बस यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज बनने वाला है ब्रेकफास्ट में पोहा, तो मैं वही बना रही थी। और पड़ोस के भैया आए थे सारा कुछ देखने के लिए, तो मैंने सोचा उनके लिए भी बना लेती हूँ, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बनाने लग गई थी। तो बस ब्रेकफास्ट बनने के बाद अभी ब्रेकफास्ट बन जाएगा, और मैंने साथ में दूध भी यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा है। और अद्विक हमेशा मेरे साथ साथ अभी खेल रहा है, मतलब किचन में जाती हूँ तो किचन में आता है, और बेडरूम में जाती हूँ तो बेडरूम में आता है, नहीं तो वहाँ पर जाता है ना तो बहुत गंदे पैर कर देता है, तो इसीलिए ना मैं उसे अपने साथ साथ ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट बन जाएगा उसके बाद तो मुझे किचन में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद भी फिर खाने की तैयारी होगी, मतलब लंच की तैयारी करने लगूँगी, तो लंच की तैयारी भी इसी के साथ करनी पड़ती है। इनके लिए ब्रेकफास्ट दे देना पड़ता है, उसके बाद अभी जब गर्म हो जाएगा दूध तो मैं चाय भी रख दूँगी। आपको साइड में चाय का पतीला दिख रहा होगा, क्योंकि उनके लिए चाय भी रखनी पड़ती है, एक दो बार चाय बनानी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट उनको दे दिया था, मतलब निकाल के, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और आज ये कद्दू की खीर बनने वाली है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और बहुत यम्मी लगती है ये वाली खीर, आप बना के देखना एक बार। इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी बना के देखोगे। अगर आप बनाते होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कद्दू छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, और उसकी छिलका, मतलब जो पीठ होती है ना उसकी, वो छिलका भी निकाल दिया है उसका, और सिर्फ नीचे का अंदर का जो कद्दू होता है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हमें उसमें कुकर में दो विसल लगा ली है, और ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, ध्यान रखना बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड मत करना, नहीं तो वो अच्छे से नहीं पकेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं इलायची छील रही हूँ, इलायची हमें पीसनी है, बट इलायची अगर थोड़ी सी पीसते हैं तो अच्छे से नहीं पीसी जाती है मिक्सी के पॉट में, तो इसीलिए मैं ना उसमें शुगर मिक्स करूँगी, जितनी मुझे चीनी उसके लिए चाहिए होगी, मतलब खीर के लिए, उतनी मैं चीनी डाल दूँगी इसमें, और अच्छे से इसे पीस लूँगी मैं। इसमें हमारा इलायची का भी पाउडर हो जाएगा और चीनी का भी पाउडर हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स भी कट करना है, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसमें डाल सकते हो, आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, और आपको अगर कट करना है तो कट भी कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स, और अगर आपको कूटना है ड्राई फ्रूट्स तो आप कूट के भी उसमें डाल सकते हो। बहुत से लोगों को कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो मुझे भी कूटे हुए ही पसंद है, तो मैं कूट के ही डालती हूँ, तो थोड़ा सा पाउडर बन जाता है, थोड़ा सा दरदरे से रहता है, तो ऐसे करके मैं उसमें डाल देती हूँ। तो मैं इधर यहाँ पर मेरी शुगर भी बन के रेडी थी, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है उसको क्रश कर रही हूँ। ये जो ताज़ा नारियल होता है ना, मतलब सूखा नारियल जब हम लोग ताज़ा क्रश करते हैं ना तो इसकी टेस्ट अलग ही आती है, और जो क्रश किया होता है उसका सारा तेल निचोड़ लिया होता है ना उन्होंने, तो इसी वजह से उसकी टेस्ट अलग आती है, तो उसकी टेस्ट इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी इसकी आती है, तो इसी वजह से ये मैं नारियल क्रश कर लूँगी। और आज खीर ना इनके डिमांड पे बन रही है, क्योंकि इनको काफ़ी दिनों से खीर खाने का मन कर रहा था, ये वाली कद्दू वाली, तो इसीलिए ये मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, दो चार दिन तो हो ही गए होंगे मुझे बोल रहे थे ये कि कद्दू की खीर बनाओ, कद्दू की खीर बनाओ। बट क्या हो रहा था कि वो लोग काम करने के लिए आ जाते थे, उसके बाद फिर मुझे तुरंत खाना बनाने के लिए लग जाना पड़ता था, और मैं सिंपल सा कुछ भी खाना बना लेती थी फिर, तो इसीलिए आज फाइनली सोच लिया कि हस्बैंड की डिमांड पूरी कर ही। तो यहाँ पर कद्दू बॉयल हो गया था, जो हमने कद्दू बॉयल होने के लिए रखा था तो वो बॉयल हो गया था यहाँ पे। और ये ना मेरा जो हैंड ब्लेंडर है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, इससे अच्छे से होता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो अच्छे से करने की होता ही नहीं है इसे अच्छे से, इसीलिए इसे मुझे चेंज ही करना है, या तो फिर लकड़ी का ले लूँगी, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक वाला आता है, इलेक्ट्रिक वाला लेना पड़ेगा, दोनों में से एक कोई भी ले लूँगी, जल्दी ही मैं इसे चेंज करने वाली हूँ। अगर आपके हैंड ब्लेंडर से अच्छे से होता है तो आपको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हो, तो बस इस तरह से कर लेना है आपको, चीकना पेस्ट बनाना है इसका। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको चीकना पेस्ट बना लेना है इसका, अभी मेरा तो बना नहीं था तो इसी वजह से मैंने बाद में मिक्सी में पीस लिया था, तो ये गर्म ही था अभी, तो इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और मिक्सी में पीस लूँगी। तो पहले ना इसमें दूध ऐड करूँगी, तो इसे ठंडा होने के बाद ही दूध ऐड करना है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी तो थोड़ा सा मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, आज तो गड़बड़ ही हो गई थी थोड़ी सी,
तो थोड़ा सा ठंडा होने देना है। मैं बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर गरम गरम में मैंने गरम दूध ही भी डाल दिया। तो ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर उसको पीसना है, उसके बाद फिर उसमें दूध ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद उसको गैस पर चढ़ा देना है, मतलब बॉयल होने के लिए। तो उसके बाद हमारी खीर रेडी हो जाएगी। और ये ज़्यादा खीर ना पतली नहीं होती है, ये ऐसी थोड़ी सी गाढ़ी सी खीर अच्छी लगती है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है। अगर आपको पतली पसंद है तो आप पतली कर सकते हो, मतलब ज़्यादा ही आपको अगर गाढ़ी लगती है तो आप दूध थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हो, बट ये थोड़ी सी गाढ़ी ही जो खीर है वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है, अभी इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी यहाँ पर। तो मैंने पहले ही चीनी भी ऐड कर दी थी, तो ऐसे नहीं करना है आपको। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ मैं बहुत जल्दबाजी में थी, इसी वजह से मैंने सब कुछ ऐसे ही, मतलब पूरा काम ही बिगड़ गया था मेरा। वैसे भी आप यार उल्टे हाथों से खाओ या सीधे हाथों से, निवाला तो मुंह में ही जाएगा। तो बस यही यहाँ पर हो रहा है, मैंने सारा कुछ एक साथ ही डाल दिया है। अभी आप देखना कि मैंने एक और होशियारी की है, यहाँ पर मैंने जो नारियल का क्रश बना के रखा था वो भी डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे। तो ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स मैंने उसके बाद डाले थे। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी कर दिया था, उसके बाद मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बॉईल करने के लिए सीधे रख देना है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसमें डालना है सब कुछ। तो और हाँ, आपको शुगर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। जैसे आपको किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप चीनी, और उसके बाद आप इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए, फिर इसका टेस्ट अच्छे से आएगा और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, आपके घर में खाते ही रह जाएंगे ये वाली खीर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हेल्दी भी मतलब कद्दू होने की वजह से आप बोल सकते हो, बट चीनी होने की वजह से तो आप हेल्दी नहीं बोल सकते हो इसे, बट अच्छी रहती है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे, और आप अगर बनाते हो तो वो भी मुझे बताना, और आपकी रेसिपी सेम है या कुछ अलग रेसिपी है तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं भी उस तरह से बना के देखूँगी अगर आप कुछ अलग तरीके से बनाते हो तो। और आप अगर ऐसे नहीं बनाते हो तो ऐसे भी आप बना के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस इसी तरह से हमारी खीर बनके रेडी है, आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें केसर ऐड किया है या कुछ कलर ऐड किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे पीला पीला कलर आ रहा है इसका। यहाँ पर हस्बैंड की डिमांड पूरी हो गई थी और उन्होंने खा के देखा तो उनको बहुत पसंद आई थी, तो बस यहाँ पर उन्होंने मुझे ना मिर्ची, धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता ला के दिया था, तो वही मैं तोड़ के रख दे रही हूँ ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। मैं धो के उसे अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँगी। वो लोग आ जाते हैं ना फिर घर पर उनका ही कब्ज़ा हो जाता है और सारी जगह धूल मिट्टी ही हो जाती है, तो इसी वजह से फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पहले ही कर लेती हूँ सारा कुछ वो लोग आने से पहले। और कर भी क्या सकते हैं, काम चल रहा है तो ये तो होगा ही, और कब से हम लोग इसी के चक्कर में काम का टाल रहे थे, बट कभी ना कभी तो करना ही था, तो इसी वजह से कल करे सो आज और आज करे सो अब, यही हमने सोच के काम स्टार्ट कर दिया, और हो भी रहा है यार, मतलब जल्दी ही हो जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा धूल मिट्टी से। और यहाँ पर मेरा खाना बन के रेडी था, तो मैंने आज कढ़ी घोड़े की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपको दोबारा चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने घर का दही बनाया था, मतलब थोड़ा सा जामुन डाल के उसमें दही जमाया था, तो ये दही जम रहा है यहाँ पे। ये जो सब्ज़ी है ना कढ़ी घोड़े की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब माही को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। मैंने पिछली बार जब बनाई थी तभी भी आपको बताया था कि मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग बनाते हो या नहीं, अगर नहीं बनाते हो तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों ने वो ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी थी, रोटियाँ भी बन गई थी, खीर बन गई थी, और मैंने जीरा राइस भी थोड़े से बनाए थे, तो जीरा राइस बच्चों ने खा लिए थे तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। इसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे और लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे। देखो स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली हो गई है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही नहाती हूँ ना सिर्फ टोनर अप्लाई करती हूँ, वैसे ही किचन में लग जाना पड़ता है कामों में,
क्योंकि ये लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोग जल्दी आते हैं और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ फेस पे, तुरंत कामों में लग जाती हूँ। और जब किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं तब अधिक को लेकर बेडरूम में आ जाती हूँ और उसके साथ फिर बेडरूम में ही रहती हूँ, नहीं तो फिर उधर जाता है वो और उसके बाद फिर उसके कपड़े भी गंदे होते हैं और बाकी का भी सब, तो इसीलिए उसको देखना पड़ता है हमेशा। हम लोग वैसे भी उसको उधर जाने नहीं देते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे ना ज़्यादातर बेडरूम में ही रहना पड़ता है या नहीं तो किचन में उसको ले लेके साथ में काम करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अभी हो रहा है सारा कुछ। तो बस अभी लंच हो गया है, ये चले गया है ड्यूटी, इनकी ड्यूटी दोपहर में थी आज, तो इसीलिए ये दोपहर में ड्यूटी गया है। माही उसकी पढ़ाई कर रही है, जो अद्विक को लेके यहाँ पर रेस्ट करनी है, नहीं तो अद्विक को अगर सुलाऊंगी नहीं ना तो फिर अद्विक और वहाँ पर जाने की ज़िद करता है। मतलब वहाँ पर एक रूम में बच्चे भी बोर हो जाते हैं यार, और यहाँ पर खेलने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वैसे यहाँ पर गलाटा ही गलाटा है, तो कुछ भी खेलने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो क्या कर सकता है वो भी। इसीलिए उसको सुला देती हूँ और मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो चले फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आप लोगों को सिचुएशन तो मेरे घर की पता ही है अभी क्या हो रहा है, फिर भी मैं छोटे छोटे ब्लॉग लाने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। और हाँ, जो न्यू है चैनल पर उनको कुछ भी नहीं पता है तो आगे जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। अगर ये घर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका रिनोवेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। मैंने सोच के रखा है कि ये डालूंगी वो डालूंगी, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ा सा आप वेट तो उसके लिए करोगे ही, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसके साथ दो मेरे और चैनल है तो वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।